नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान। खेती और किसानी से जुड़ी नवीनतम जानकारियों के साथ इस खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं मोनालिसा। आइए बताते हैं क्या है नया आज के कार्यक्रम में। फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन की 75वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में स्मारक जारी। देश के किसानों को गेहूं और धान सहित अनेक फसलों के 17 नए बीजों की वैरायटी उपलब्ध। इंडिया इंटरनेशनल फूड एंड एग्री वीक का केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री ने किया शुभारंभ। खरीफ सत्र 2020-21 के दौरान 6 लाख से अधिक किसानों से 69.5 लाख मीट्रिक टन से ज्यादा धान की खरीद। एमएसपी के तहत कुल 13,128.12 करोड़ रुपए का भुगतान। भारतीय खाद्य प्रसंस्करण प्रौद्योगिकी संस्थान तंजावुर में नई सुविधाओं का शुभारंभ। गेहूं की नई किस्म से महाराष्ट्र के किसानों को उनकी उपज को दुगना करने में मिली मदद। भारत ने एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर पार किया। 1.5 महीने में पहली बार कोविड के उपचाराधीन रोगियों की संख्या 8 लाख से नीचे। आइए देखते हैं विस्तार से। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने एफएओ की 75वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में गेहूं और धान सहित अनेक फसलों के 17 नए बीजों की वैरायटी देश के किसानों को उपलब्ध कराई। आइए देखते हैं इसी पर आधारित ये खास रिपोर्ट। भारत खाद्यान्न उत्पादन में आत्मनिर्भर बनने के साथ एक प्रमुख निर्यातक देश है। देश अब पोषण सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए अग्रसर है। वर्ष 2014 से पहले केवल एक ही जैव संवर्धित किस्म का विकास किया गया था। पिछले 6 वर्षों में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में प्रॉपर न्यूट्रिशन फॉर प्रॉस्पेरस नेशन के विजन पर बल देते हुए भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने पोषण सुरक्षा हेतु अधिक उपज देने वाली 54 जैव संवर्धित किस्मों का विकास पारंपरिक प्रजनन विधियों द्वारा किया है। इस वर्ष 8 खाद्य फसलों की 17 नई जैव संवर्धित किस्मों का विकास किया गया है, जिनमें धान्य फसलों में अधिक जिंक वाली धान की 1, अधिक प्रोटीन जिंक व लौह तत्व वाली गेहूं की 5 तथा मक्का की अधिक लाइसीन व ट्रिप्टोफैन वाली 3 किस्में हैं। छोटे अनाजों में उच्च कैल्शियम लौह तत्व एवं जिंक वाली रागी की 2 तथा कुटकी की 1 किस्म शामिल है। तिलहनी फसलों में सरसों की कम इरूसिक अम्ल वाली 1 तथा मूंगफली की अधिक ओलिक अम्ल वाली 2 किस्में विकसित की गयी। इनके अलावा कंद फसलों में रतालू की उच्च लौह जिंक कैल्शियम एंथोसाइनिन तथा प्रोटीन की 2 किस्में भी शामिल हैं। कई जैव संवर्धित किस्मों का विकास किसानों द्वारा उगाई जा रही पारंपरिक देशी किस्मों का प्रयोग कर किया गया है। पोषक तत्वों की प्रचुर मात्रा होने के कारण ये किस्में सुपोषण सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगी तथा रोजगार के अवसर सृजन करने में वरदान सिद्ध होंगी। आज खाद्य एवं कृषि संगठन की 75वीं वर्षगांठ के अवसर पर 17 नई जैव संवर्धित किस्मों को आदरणीय प्रधानमंत्री जी द्वारा देश को समर्पित किया जा रहा है। गेहूं की नई किस्म से महाराष्ट्र के किसानों को उनकी उपज को दुगना करने में मदद मिली। आइए देखते हैं इसी पर आधारित ये खास रिपोर्ट। किसानों के पास अब भारतीय वैज्ञानिकों द्वारा विकसित गेहूं की एक ऐसी किस्म है जिसकी पैदावार काफी अधिक होगी। इस गेहूं के आटे से चपाती भी अधिक गुणवत्ता वाली होगी। भारत सरकार के विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग ने एक स्वायत्त संस्थान आगरकर अनुसंधान संस्थान के वैज्ञानिक द्वारा विकसित मैक्स 6478 नामक इस गेहूं की किस्म के महाराष्ट्र के गांव करंजखोप में किसानों के लिए फसल की पैदावार दोगुनी हो गई है। महाराष्ट्र के सतारा जिले के कोरेगांव तहसील के गांव के किसानों को नई किस्म के साथ 45 से 60 क्विंटल प्रति हेक्टेयर की उपज मिल रही है, जबकि पहले औसत उपज 25 से 30 क्विंटल प्रति हेक्टेयर थी। जब उन्होंने लोक 1 HD 2189 और अन्य पुरानी किस्में उगाई, नव विकसित सामान्य गेहूं या ब्रेड गेहूं जिसे उच्च उपज देने वाला एस्टिकम भी कहा जाता है 110 दिनों में परिपक्व हो जाता है और पत्ती और तने के अधिकांश रोगों के लिए प्रतिरोधी होता है। एम्बर रंग के मध्यम आकार के अनाज में 14% प्रोटीन, 44.1 ppm जस्ता और 42.8 ppm आयरन होता है, जो अन्य खेती की किस्मों से अधिक है।
इस किस्म पर एक शोध पत्र करंट इंटरनेशनल जर्नल ऑफ करंट माइक्रोबायोलॉजी एंड अप्लाइड साइंसेज में प्रकाशित हुआ है। इस गेहूं के आटे की चपाती की गुणवत्ता उत्कृष्ट है। अच्छी रोटी की गुणवत्ता के साथ 8.05 का स्कोर 6.93 है। बीज गुणन के लिए महाराष्ट्र राज्य बीज एजेंसी महाबीज किसानों के उपयोग के लिए मैक्स 6478 के बीज प्रमाणित बीज का उत्पादन कर रही है। पूर्व बीज प्रमाणीकरण अधिकारी और ARI कर्मचारियों के समर्थन से अब तक गांव के 10 किसानों ने 14 एकड़ भूमि पर इस किस्म की खेती की है। अभी समय एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे, आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर। बीमारियों से कैसे बचेगी फसल, मवेशियों की मुश्किलों का क्या है हल, कहां से लाएं बीज, कितनी लगेगी खाद, किसानों के हर फोन का विशेषज्ञ देंगे जवाब। देखिए हेलो किसान लाइव सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है। केंद्रीय रसायन और उर्वरक मंत्री श्री डीवी सदानंद गौड़ा ने सार्वजनिक क्षेत्र की उर्वरक कंपनियों के कामकाज और आगामी तैयारियों की समीक्षा की। उर्वरक कंपनियों के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशकों से किसानों को समय पर पर्याप्त मात्रा में उर्वरकों की आपूर्ति सुनिश्चित करने को कहा। आइए देखते हैं इसी पर आधारित ये खास रिपोर्ट। केंद्रीय रसायन और उर्वरक मंत्री डीवी सदानंद गौड़ा ने सार्वजनिक क्षेत्र की उर्वरक कंपनियों के कामकाज और आगामी तैयारियों की समीक्षा के लिए कंपनियों के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशकों के साथ बैठक की। केंद्रीय मंत्री ने इस अवसर पर कोविड लॉकडाउन के दौरान विभिन्न बाधाओं का सामना करने के अपनी विनिर्माण इकाइयां बेहतर तरीके से संचालित करते हुए देश भर में यूरिया और अन्य उर्वरकों का वितरण सुनिश्चित कर किसानों को उर्वरक उपलब्ध कराने के लिए सरकारी उर्वरक कंपनियों को बधाई दी। उन्होंने कहा कि घरेलू कंपनियों के प्रयासों और उर्वरक विभाग के अधिकारियों की सक्रियता के कारण देश में यूरिया की तभी कोई कमी नहीं हुई जब अपेक्षित वर्षा के कारण यूरिया की मांग और खरीफ के मौसम में खेती के क्षेत्र में पर्याप्त वृद्धि हुई। उन्होंने उर्वरक कंपनियों के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशकों को आगामी रबी सीजन के लिए सभी तैयारियां पूरी करने और किसानों के लिए समय पर पर्याप्त मात्रा में उर्वरकों की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए कहा। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भविष्य की सोच के अनुरूप उर्वरकों की बिक्री तथा सब्सिडी में किसी भी तरह की अनियमितताओं को रोकने के लिए कैशलेस लेन देन को प्रोत्साहित करने हेतु अध्यक्ष और प्रबंध निदेशकों को एक सक्षम रणनीति बनाने का निर्देश दिया। केंद्रीय रसायन और उर्वरक मंत्री सदानंद गौड़ा ने उर्वरक क्षेत्र के सार्वजनिक उपक्रमों के आत्मनिर्भर बनाने की आवश्यकता पर जोर देते हुए कहा कि भविष्य में इन कंपनियों को भारत सरकार से मिलने वाली बजटीय सहायता पर निर्भर नहीं होना चाहिए। केंद्रीय रसायन और उर्वरक मंत्री गौड़ा ने कहा कि उर्वरक कंपनियों को पर्यावरण संबंधी चिंताओं के प्रति भी संवेदनशील होना चाहिए। उर्वरक विभाग के सचिव शबिलेंद्र रावल ने कहा कि उर्वरक कंपनियों को भी अपनी आपदा प्रबंधन योजना को मजबूत बनाने के लिए लगातार प्रयास करना चाहिए। बैठक में उर्वरक कंपनियों के अध्यक्ष सह प्रबंध निदेशकों ने चालू वित्त वर्ष में अपने सार्वजनिक उपक्रमों के प्रदर्शन के बारे में संक्षिप्त जानकारी दी और उनकी व्यवहार्यता को बनाए रखने के लिए उनमें तकनीकी उन्नयन के लिए किए गए निवेश और उनके संयंत्रों को पुनर्जीवित करने के प्रयासों पर प्रकाश डाला। उन्होंने कंपनियों को मजबूत करने के लिए अपनी भविष्य की योजनाओं के बारे में भी जानकारी दी। अभी समय एक छोटे से ब्रेक का, हम जल्द हाजिर होंगे, आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर। ये कामयाबी है अन्नदाता की, ये कहानी है खेत और खलिहानों की, कैसे करें अपने पशुओं की देखभाल, जानिए गांव-गांव के किसानों का हाल। देखिए गांव किसान सोमवार से शुक्रवार दोपहर 12:05 पर। गांवों और पिछड़े क्षेत्रों में सरकारी योजनाओं की जानकारी पहुंचा, देश में
कौशल और क्षमता विकास कर ग्रामीणों को सामाजिक बदलाव और विकास से जोड़ने की दूरदर्शन किसान की पहल चौपाल चर्चा देखें सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है। देश में हो रहे कृषि सुधार समग्र विकास का आधार बनेंगे। 3 नए कानून कृषि उपज व्यापार और वाणिज्य संवर्धन और सरलीकरण अधिनियम 2020, कृषक सशक्तिकरण व संरक्षण कीमत आश्वासन और कृषि सेवा पर करार अधिनियम 2020। आइए जानते हैं इसके बारे में विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का सपना है कि किसानों की आय 2022 तक डबल करना है, और यह डबल तभी हो सकता है जब इसमें ज़्यादा से ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर फंड पर पैसा खर्च किया जाए। हाल में ही आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत भी 1,00,000 करोड़ रुपया खर्च किया गया। इसके साथ ही खेती किसानी से जुड़े हुए कृषि कानून लागू किया गया, और यह कृषि कानून लागू किया गया है मंडियों में, जो किसान भाई अपने माल को उत्पाद को ले जा करके एक राज्य से दूसरे राज्य में भी बेच सकते हैं। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के माध्यम से अपने फसल को उचित दाम ले सकते हैं। साथ ही आवश्यक वस्तु अधिनियम है, जिसके माध्यम से जो किसान भाई है अपने फसल जो औने पौने दाम में बेच देते थे, अब इसको एक ज़्यादा से ज़्यादा उसको भंडारण कर सकते हैं। ये तमाम ऐसे बातें हैं जिस पर कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के कृषि आयुक्त SK मल्होत्रा जी हैं, जिनसे जानते हैं कि ये कानून किस तरह से है और इससे किसानों को कितना फ़ायदा हो सकता है। सर, आप कृषि किसान कल्याण मंत्रालय के कृषि आयुक्त हैं, पूरे देश भर के सर आप देख रहे हैं खेती किसानी किस तरह से चल रहा है। ये जो सर अभी 3 कृषि कानून लाया गया है, इसको सर आप किस रूप में देखते हैं, कितना भला हो सकता है? जो ये अभी आपने देखा कि 3 अधिनियम अभी आए हैं, जो पहला अधिनियम जो संसद में पारित हुआ, ये जो है 14 सितंबर को पारित किया गया, तो इसमें जो है एक जो अधिनियम है कृषि उपज व्यापार एवं वाणिज्य संवर्धन एवं सरलीकरण विधेयक जिसको 2020 कहा गया है, और दूसरा जो अधिनियम है वो कृषक सशक्तिकरण संरक्षण कीमत आश्वासन और कृषि सेवा करार विधेयक है। तो ये जो दोनों अधिनियम हैं, और तीसरा अधिनियम और भी है जो आवश्यक वस्तु से संबंधित है। तो मैं इसकी बात की शुरुआत मैं ऐसे करना चाहूँगा कि जब हमारा देश आज़ाद हुआ था उस टाइम में हमारे पास खाद्यान्न भरपूर नहीं थे, कमी थी, तो इसीलिए असेंशियल कमोडिटी एक्ट जो है उस टाइम में लागू किया गया था। लेकिन अब स्थिति बिल्कुल अलग है, अब हम बिल्कुल आत्मनिर्भर हो चुके हैं, हमारे पास बहुत सारी ऐसी फसलें हैं जो एक तरह से सरप्लस भी हैं खाद्यान्न के मामले में, तो उसमें हमें हमारे पास चिंता की कोई बात नहीं है, और हमारी जो मांग है नियमित रूप से हमारी जनसंख्या के लिए पूर्ति हो रही है उसकी, तो खाद्य और पोषण सुरक्षा दोनों ही सुनिश्चित है। तो इसलिए इस समय में बहुत सारे ऐसे सुधार की ज़रूरत है, क्योंकि हम लोग इसको दूसरे ढंग से देखते हैं कि अब किसान को की आमदनी कैसे बढ़े, किसान को जो उसकी मेहनत है उसका अधिक से अधिक मूल्य कैसे मिले। तो ये जितने भी अधिनियम अभी निकल करके सामने आए हैं, तो उन अधिनियम का जो मुख्य उद्देश्य यही है कि किसान की आमदनी में कैसे बढ़ोतरी हो, और किसान अपनी उपज अगर खुद पैदा करता है तो वो खुद ही अपना उसको मूल्य लगा करके बेचे कि भाई मैंने इतनी मेहनत की है मैं तो इसको इसी दाम पर बेचूंगा। तो ये जो अधिनियम है अपने आप में किसानों को एक स्वतंत्रता देते हैं, जिसके तहत जो है किसान मंडी से बाहर जा करके जो है अपने उत्पाद को बेच सकता है। अभी तक क्या था कि किसान को अपना उत्पादन किया लेकिन उसको मंडी में ले जाकर जिसके पास लाइसेंस है उसी को बेचना पड़ा, तो ये उसको बेचने के लिए वो बाध्य होता था, और जब वो मंडी में लेके जाता था तो मंडी में भी उसको बहुत सारे टैक्स जो है उसको लग जाते थे, तो वो टैक्स के साथ साथ उसको ट्रांसपोर्टेशन का भी भाड़ा देना पड़ता था, जो टैक्स लग गया वो भी उसके खाते में जाता था, तो उसको जो है मैं ये कहूँगा कि जो उचित मूल्य है वो नहीं मिल पाता था। तो ये जो अधिनियम है, इन तीनों अधिनियम के आने से किसानों को सबसे अधिक फ़ायदा ये होगा कि किसान अपनी मर्जी का मालिक है, किसान जहाँ उसको उचित मूल्य मिलेगा वो उसको बेच सकता है, और इसमें क्या होगा कि ट्रेडर उसके खेत पर पे आ करके जो है उसे जो है खरीद के ले जाएगा, और वहाँ पर जो है उसका जो है एक तरह से मोल भाव वो कर सकता है और बता सकता है कि मैं तो भैया इतने पर ही बेचूँगा, इससे नीचे नहीं बेचूँगा, तो वो अपने मूल्य स्वयं तय कर सकता है।
दूसरा इसके साथ साथ जो अभी देख रहे हैं कि MSP डिक्लेयर हुई है और MSP पर खरीदी भी शुरू हो गई है, तो ऐसा कुछ नहीं है कि MSP बंद हो जाएगा, MSP पर खरीदी हो रही है और MSP बढ़ाया है भारत सरकार ने इमिडिएटली जो है उस पर आप देखेंगे 50 रुपये से लेकर के 300 रुपये तक की बढ़ोतरी MSP में की गई है और बहुत सारे हमारे जो संस्थान हैं वो उसको प्रोक्योरमेंट करने लगे हैं, जो चाहे वो FC के माध्यम से अभी चावल का जो है एक तरह से पैडी का प्रोक्योरमेंट शुरू हो गया है और साथ साथ में जो NAFED के माध्यम से दलहनी फसलों का और तिलहनी फसलों का भी जो है प्रोक्योरमेंट वो कर रहे हैं, तो एक तो फ़ायदा ये हो गया किसानों को, ये रहेगा, तो इसमें कोई इस प्रकार का कोई ऐसा नेगेटिव पॉइंट नहीं है जिससे कि किसानों को कोई नुकसान ना हो, ये किसानों से हर रूप से जो है फ़ायदे का एक तरह से मैं कहूँगा ये अधिनियम है और ये किसानों के हित में रखते हुए किसानों के हित को ध्यान में रख करके इन अधिनियम्स को जो है आगे बढ़ाया गया और इनको पारित किया गया। सर आप कृषि आयुक्त हैं, आप मंत्रालय के अनुसार से सर पूरा फोकस कर रहे हैं कि कौन कौन से खाद्यान्न फसलों है उस जिसमें रबी और खरीफ दोनों की फसलें हैं, हम इतना इसको मिलियन टन तक पहुंचाना है, इसमें क्रांति लाना है, और दूसरी तरफ सर अगर आप कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की बात करते हैं तो क्या सर प्राइवेट जो कंपनियां हैं आपसे सलाह मशवरा करके वो प्रोडक्ट को अपना किसानों से लेगा या उसका एक अपना मोनोपोली होगा आपके अलावा? इसमें कोई ऐसा मोनोपोली नहीं कह सकते आप, बल्कि इसमें क्या है किसानों का जो मूल्य एक तरह से निश्चित हो जाएगा और ये कोई किसान बाध्य नहीं है कि उसको ये करना ही पड़ेगा, ये किसान की एक तरह से वॉलंटरी है, उसकी इच्छा है कि वो किसी भी उससे करार करके उसके लिए उत्पादन करेगा, जब वो उत्पादन करेगा एक सुनिश्चित मूल्य पर उत्पादन करेगा तो उसका जो प्रोक्योरमेंट है अभी देखेंगे कि क्या कि अगर वो मंडी में अधिक उत्पादन हो जाता है मंडी में लेके जाएगा ग्लट है तो उसको रेट अच्छे नहीं मिलेंगे, लेकिन उसने किसी करार के हिसाब से किया है तो वो एक निश्चित किस्म की बात करेंगे कि भाई उस किस्म को उत्पादन करना पड़ेगा, उसकी गुणवत्ता की बात करनी पड़ेगी, तो वो सब चीज़ों को मापदंड वो बताएगा और उसके जितने भी पैरामीटर्स हैं स्पेसिफिकेशंस हैं उस स्पेसिफिकेशंस को करार में रखा जाएगा, क्या मूल्य रहेगा उसका भी करार में रहेगा, तो वो सब चीज़ें पहले से ही सुनिश्चित हो जाएंगी और किसान जो है उसको अच्छे तरीके से अपने ढंग से अगर उसको अच्छा लगेगा तो वो उसमें करार करेगा, उसको नहीं है तो वो मना भी कर सकता है, तो उसमें किसी भी तरीके से बाध्य वाली बात नहीं है, ये किसान की अपनी इच्छा के ऊपर निर्भर करेगा और इससे ये होगा कि उसके लिए एक नए उत्पादन के द्वार खुलेंगे और आगे जो प्रोडक्शन है उसका रेट अच्छा मिलेगा, वो सुनिश्चित हो जाएगा कि ये उसको जो 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 मेहनत वो करने वाला है उसका जो मूल्य है वो निश्चित रूप से उसको मिलेगा, चाहे बाजार में बाहर का जो रिस्क है उसका वो अपने आप से कवर हो जाता है, तो इसको हम लोग जो है एक तरह से पॉजिटिव रूप में लेकर के चलें, इसमें कोई ऐसी ऋणात्मकता वाली कोई बात नहीं है, इसमें जितनी भी बात आ रही है वो पॉजिटिव की बात आ रही है, नेगेटिव की बात इसमें कहीं भी नहीं है किसी भी तरीके से नहीं, लेकिन सर आपका जो मंत्रालय उसके लिए तो चैलेंज खड़ा कर सकता है ना, क्योंकि आप जैसे अगर बोलेंगे कि हम तिलहन में फसल बढ़ाना चाहते हैं प्याज में बढ़ाना चाहते हैं, लेकिन वहीं पर जो प्राइवेट कंपनी है उसको अगर लगेगा कि नहीं हमें आलू को उत्पादन करना है, हमें चिप्स बनाना है या कोई और लहसुन के हमें करना है, तो आपके लिए तो चैलेंज हो सकता है ना सर? वो हमारे लिए चैलेंज बिल्कुल नहीं होगा, चैलेंज इसलिए नहीं होगा कि जो भारत सरकार अपना जो एक्शन प्लान बनाती है उस एक्शन प्लान में दो तीन बातों का ध्यान रखा जाता है, पहला कि हम अपनी जो हमारे मैं ये कहूँगा कि सिटीजन्स हैं जो हमारी जनसंख्या है देश की उसकी जो खाद्य और पोषण सुरक्षा है वो पहले सुनिश्चित हो, खाद्य पोषण सुरक्षा को सुनिश्चित करना ये भारत सरकार का अपना एक प्रतिबद्धता है, तो उसी को मद्देनज़र रखते हुए हम अपने टारगेट्स डिसाइड करते हैं, प्लान बनाते हैं कि हमें इतने खाद्यान्न की ज़रूरत पड़ेगी, उतना ही खाद्यान्न का उत्पादन होता है, चाहे वो गेहूं है चावल है दलहनी है फसलें हैं चाहे हमारा मोटे अनाज है मोटे, तो इन सब चीज़ों का उत्पादन एक तरफ हो गया। दूसरा ये हो गया कि बहुत सारे ऐसे अग्रणी किसान हैं जिनको लगता है कि बाकी ये चीज़ें जो कन्वेंशनल खेती है ये तो हो रही है, लेकिन बहुत सारे ऐसे किसान हैं जो ये सोचते हैं कि हम लोग अनुबंध के तहत करना चाहें तो वो बहुत ही लिमिटेड एरिया है, इसके लिए बहुत ही सीमित किसान हैं जो आगे आते हैं, तो वो सीमित किसान आगे आएंगे तो आगे इस तरह की अगर स्वतंत्रता मिलेगी तो और भी किसान आगे आएंगे, लेकिन खाद्य सुरक्षा और पोषण सुरक्षा जो है वो बिल्कुल ही खतरे में नहीं होगी, इसको सुनिश्चित किया जाता है। पर हमारा उद्देश्य ये भी है कि हम जो है एक तरह से इनकम सिक्योरिटी जो आय सुरक्षा है, खाद्य सुरक्षा पोषण सुरक्षा और आय सुरक्षा तीनों को ध्यान में रखना है, तो अगर एक किसान गेहूं भी लगा रहा है रबी के मौसम में
चावल की खेती भी करता है खरीफ के मौसम में, लेकिन कुछ क्षेत्र अनुबंध के तहत भी करता है, तो एक तरह से उसका रिस्क कवर हो गया ना हर तरीके से। खाद्य सुरक्षा भी हो गई, पोषण सुरक्षा भी हो गई, दूसरा आय सुरक्षा भी हो गई। तो वो अपनी प्लानिंग उस तरीके से कर सकता है, क्योंकि बहुत सारे ऑप्शन उसके पास खुले, विकल्प जो है बहुत सारे खुले हैं उसके पास, वो उन विकल्पों को अपना करके अपना आमदनी में जो है इजाफा कर सकता है। सर, आप डिस्ट्रिक्ट वाइज, विलेज वाइज या ब्लॉक वाइज पूरे आप सर समीक्षा करते हैं, जिसमें से छोटे किसान से बड़े किसान तक है। खासतौर से हमारे देश में सर जो छोटे किसान हैं, 2 हेक्टेयर से कम जमीन वाले, जोत वाले, उनकी संख्या सर 86% है। सर, उसको कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग से कितना फ़ायदा हो सकता है? देखिए, जो छोटे किसान हैं उनके पास विकल्प उसी तरह से निकल के सामने आएंगे जैसे मैं बताता हूँ। प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन, अगर एक 2 हेक्टेयर का किसान है, 2 हेक्टेयर से कम का है, तो अगर वो अपने एक हेक्टेयर, आधे हेक्टेयर क्षेत्र में अगर एक पोली हाउस लगाता है, पोली हाउस लगा करके जो मूल्यवान फसलें हैं उनका पैदा किया जा सकता है, चाहे वो उसमें फूलों की खेती है, चाहे उसमें बेमौसमी सब्जियों का उत्पादन है, चाहे उसमें जो जितनी हाई वैल्यू क्रॉप्स है, चाहे मसाले हैं, तो उन फसलों का उत्पादन किया जा सकता है जिससे कि उसको उसी क्षेत्र से उत्पादन अधिक मिल सके। तो एक तो ये बात हो गई। दूसरा ये हो सकता है कि उसमें जो जितने भी कृषि से संबंधित जो अन्य व्यवसाय भी हैं और साथ में जो खेती है उनको भी कर सकते, जैसे मशरूम कल्टीवेशन है, मशरूम की खेती भी की जा सकती है, साथ साथ जो है मधुमक्खी पालन भी किया जा सकता है। तो ये बहुत सारे ऐसे विकल्प हैं, किसान अपनी संसाधनों को ध्यान में रखते हुए उनको अपना सकता है, उनको अपना करके उसी तरीके से जो है वो अपनी प्लान, एक योजना जो है बना सकता है। दूसरी बात क्या आती है कि अगर किसान अपनी परंपरागत ढंग से उन्हीं फसलों का चुनाव कर रहा है और उन्हीं का उत्पादन कर रहा है और उसका जो वॉल्यूम है निकल करके कम आ रहा है, तो वो FPO के माध्यम से जो विकल्प रखा गया है वहाँ पर वो अपने आप में एक एग्रीगेशन का पॉइंट होगा। किसान किसी न किसी रूप में, अभी मैं देख रहा हूँ कि अभी ऐसे बहुत सारे किसान निकल के आ रहे हैं जो FPO का किसी न किसी रूप में मेंबर है, तो वो जो FPO है उसको एक तरह का वहाँ लाभ मिलेगा, वहाँ अपना कम वॉल्यूम ले जा करके जहाँ और भी किसान आएंगे तो वो किसान के लिए एक तरह का सशक्तिकरण है और किसान का अपना एक एम्पावरमेंट है जिससे कि वो किसान अपनी चीज़ का स्वयं मालिक होगा। भारत ने एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर पार किया। 1.5 महीने में पहली बार कोविड के उपचाराधीन रोगियों की संख्या 8 लाख से नीचे, कुल संक्रमितों के केवल 10.70% सक्रिय मामले। आइए देखते हैं इस पर आधारित ये खास रिपोर्ट। भारत ने कोविड के खिलाफ अपनी लड़ाई में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है। 1.5 महीने के बाद पहली बार कोविड के उपचाराधीन रोगियों की संख्या 8 लाख से नीचे आई है। देश के कुल सक्रिय मामलों की संख्या आज 7,95,087 है। ये आंकड़ा कुल मामलों का केवल 10.70% ही है। इससे पहले 1 सितंबर को कोविड मामलों की संख्या 8 लाख से नीचे यानी 7,85,996 थी। हर दिन ठीक होने वाले कोविड रोगियों की अधिकतम संख्या के साथ ही भारत में सक्रिय मामलों की संख्या में लगातार गिरावट दर्ज करने का चलन जारी है। भारत में इस महामारी से उबरने वालों की संख्या भी सर्वाधिक है। कुल 65 लाख से अधिक यानी 65,24,595 रोगी इस संक्रमण से मुक्त हो चुके हैं। सक्रिय मामलों और स्वस्थ होने वालों के बीच अंतर लगातार बढ़ रहा है और अब ये 57,29,508 तक पहुंच चुका है। पिछले 24 घंटों में 70,816 रोगी ठीक हुए और उन्हें छुट्टी दे दी गई है, जबकि 62,212 नए पुष्ट हुए मामले हैं। देश में कोविड से स्वस्थ होने की दर 87.78% हो गई है। इसके साथ आज के कार्यक्रम में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।